पिछले एक महीने से हम लगातार एसएससी से अपनी डिमांड रखते आ रहे हैं और बहुत ही पीसफुल तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से हमने अपना प्रोटेस्ट किया है। चाहे वहाँ फिजिकल प्रेजेंट होके करना हो, या ट्विटर के थ्रू हो, या ग्रीवियंसेस डालना हो, मेल्स डालना हो, हमने हर तरीके से बहुत ही पीसफुल तरीके से अपनी डिमांड रखी है। बट एसएससी की तरफ से कोई आंसर, कोई अपडेट हमें नहीं मिला है। हमारी मीटिंग पीयूष गोयल सर से भी हुई और उनके साइड से एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था हमें, लेकिन उसके बाद भी हमें पूरी उम्मीद थी कि इसके बाद एसएससी कोई ना कोई अपडेट जरूर देगा। उसके बाद भी एसएससी की तरफ से कोई अपडेट हमें नहीं मिला है। तो हमारे कैंपेन का ये एक लास्ट और फाइनल स्टेप होने वाला है कि हम कल 1 मई को अब बहुत लार्ज अमाउंट में मास गैदरिंग करने वाले हैं सीजीओ कॉम्प्लेक्स के सामने। अगर तब भी हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाती है, हमारा जो एक बहुत जेन्युइन डिमांड है वो नहीं पूरा किया जाता है, तो परसों यानी कि 2 मई को हम हंगर स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करने वाले हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ पवन बड़ाना सर। उन्होंने हमें गाइड किया है अभी तक और उनके नेतृत्व में हम पूरी उम्मीद करते हैं कि एसएससी अपना एज रैकनिंग डेट जरूर चेंज करेगी। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि ये सिर्फ सीजीएल वाले बच्चों की डिमांड नहीं है, एसएससी के और जितने प्रिपेयर करते हैं बच्चे एसएससी के लिए, उन सबके साथ यही होने वाला है, क्योंकि एज रैकनिंग डेट चेंज होगी अब। बट हमारे साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण हुआ कि बिना किसी प्रायर नोटिस के ये चेंज हो गया, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि बच्चे तैयारी लगातार करते आ रहे थे, कई लोगों ने अपनी जॉब छोड़ी थी इसके लिए। तो मैं सबके बिहाफ पे रिक्वेस्ट करती हूँ एसएससी से कि प्लीज हमारी डिमांड पूरी की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो 2 तारीख से हम हंगर स्ट्राइक करेंगे।